ग्रीटिंग्स मैन प्रिया, वेलकम टू माय देशी कुकिंग। ईट देशी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी मटर की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, कुकर में मैं डालूँगी, यहाँ पे कटी हुई लौकी है ये डाल दूँगी। अच्छा, कुकर में डालने के बाद क्या करना है कि इसमें मैं एक गिलास पानी डाल दूँगी, आप एक से डेढ़ गिलास इसमें पानी डाल दीजिए। हल्दी थोड़ा सा इसमें है, मैंने ग्रीन चिली भी डालना है तो मैं स्पाइसी थोड़ा सा कम बना रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च। फिर मैंने जो है एक चम्मच जो है नमक डाल दिया और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे चम्मच की सहायता से भी अच्छे से नमक, हल्दी और लाल मिर्च जो है अच्छे से मिल गया। अब मैं कुकर को ढक्कन लगा के 3 सीटी तक इसे पका लूँगी लौकी आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने लौकी को जो है कुकर में उबाल लिया था और इसको मैंने 3 सीटी दिलाया था। अब मैंने कुकर से बाहर इसे एक बाउल में देखिए निकाल लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला है 2 चम्मच और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा। जीरा को होने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है लहसुन है 2 कटे हुए बारीक और 1 हरी मिर्च है। आप हरी मिर्च अपने तीखा के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद जो है इसी में मैं ये डाल दूँगी 1 कटा हुआ प्याज बारीक, करी पत्ता है थोड़ा सा, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को थोड़ा सा जो है सॉफ्ट होने तक इसे अभी पकाएंगे। ये यहाँ पे प्याज को मैंने लाल कर लिया है, इतना ही प्याज को लाल करना है। और इसके बाद प्याज जब सॉफ्ट हो जाए ना, छोटी कटोरी से देखिए मैं यहाँ पर मटर डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ये मटर डाल दें और मटर को भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे कि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर को भूना, थोड़ा सा हल्का सा ही भूनना है बस, थोड़ा सा प्याज में डाल, प्याज और तेल में डाल के इसे ऐसे ही भून लेना है। यहाँ पे मैंने कटा हुआ टमाटर डाला है 1 और यहाँ पे मटर और टमाटर को देखिए ऐसे मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च है। आप लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप तीखा बना सकते हैं इसको। ये उबली हुई जो लौकी है इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद जो है इसे मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम जो है धीमा कर देंगे क्योंकि इसे अच्छे से पकाना है हमें। यहाँ पे मैंने ढक के 5 मिनट जो है सब्जी को पकाया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये 1/3 कप जो है कोकोनट है इसे डाल देंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बट डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। और इसे डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे जो है सब्जी को धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि अच्छे से और भी पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए ढक के रखा था सब्जी को और ये देखिए सब्जी रेडी हो गई है। आप इसको जो है गर्मा गर्म चपाती और चावल से खा